अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए एक और स्नैक बना रहे हैं जिसका नाम है स्मोक्ड चिकन कटलेट्स। इसके लिए आपको जो चाहिए बोनलेस चिकन चाहिए 400 ग्राम, इसे मैंने बॉईल किया है विद हाफ अ टीस्पून नमक डालकर, और उसके बाद जब वो अच्छे से गल गया तो इसे मैंने पानी को डिस्कार्ड कर दिया और इसे मैंने अच्छे यहाँ पर श्रेड कर लिए। इसमें अब जो आप डालेंगे वो है 400 ग्राम जितना पोटैटोज, इसे भी मैंने छीला बॉयल किया और मैश कर दिया हुआ है। अब इसमें आप डालेंगे नमक हाफ अ टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून है, गरम मसाला पाउडर ये मेरा होममेड है 1/2 टीस्पून है, लिंक आपको वीडियो में दे देंगे, चाट मसाला ये भी मेरा होममेड है 1 टीस्पून जाएगा बीच में, साथ में जाएंगी बीच में हरी मिर्चें, ये मैंने 3 अदद जो है फाइनली स्लाइस कर ली है, और साथ ही में आप इसमें डालेंगे हरा धनिया 2-3 टेबलस्पून कर लें, तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अब यहाँ पे आपने इस मिक्सचर को जो है धुआं देना, तो कोयला मैंने यहाँ पर गर्म कर लिया हुआ है, एक अदद फॉइल का पीस रखिए बीच में कोयला, और इसके ऊपर आप डालेंगे थोड़ा सा तेल और इसे कवर कर दें जब तक कि स्मोक अच्छे से सेटल हो जाए, और उसके बाद जो है हम इसके बनाते हैं कटलेट्स। धुआं दे देने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने 2 अंडे बीट किए हुए हैं और ये ड्राई ब्रेड क्रम्स हैं। हल्का सा तेल लेंगे थोड़ा सा पाम्स को ग्रीस करने के लिए ताकि मिक्सचर स्टिक ना करे आपके हाथ पर, और ये जब मिक्सचर तैयार हो जाता है आप इसे एयर टाइट बॉक्स में रखकर फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन फ्रीज नहीं कर सकते क्योंकि पोटैटोज हैं और वो फ्रीजर में जाते ही जो है जब आप इसको निकाल करके फ्राई करेंगे फ्रोजन होंगे या डीफ्रॉस्ट भी करेंगे तो हैंडल नहीं होता वो, इसलिए क्योंकि जो आलू है वो काफ़ी मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर जो ही आपसे नहीं बनते हैं। तो ये लेकिन ये मिक्सचर आप फ्रिज में बना करके रख सकते हैं 1-1.5 हफ्ते के लिए, और जब आपका दिल चाहे इसको बना करके सर्व कर सकते हैं, लंच में करें, बच्चों के लंच बॉक्स में, इफ्तारी में भी आप ये बना सकते हैं। सिंपल सी चीज़ें, पराठे के साथ इसको सर्व कीजिएगा, पूरी पराठा जो होता है तो बहुत मज़ा लगता है। तो इसी के से टिक्कियाँ आप बना लेंगे, और उसके बाद आपने इसको अंडे में डिप करना है पहले, और फिर उसके बाद आप इसको ब्रेड क्रम्स में करते हैं। इसी के से तमाम को तैयार कर लेते हैं और एक साइड पर इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर जो है इसे करेंगे हम फ्राई। अब आपने तेल गर्म कर लेना है और सिंपली इसे बीच में डाल करके आपने फ्राई करना है कि अच्छे से गोल्डन हो जाए दोनों साइड्स पर, और फिर इसे निकाल कर पेपर टॉवल टिश्यू पर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए, और फिर इसे करते हैं डिश अप। इसी के से आप इसे बनाते हैं, और आपको मैंने पहले भी बताया कि ये अगर आप चाहें तो उसको सैंडविच में भी लगा कर खा लें, या फिर जो पूरी पराठा होता है उसमें प्याज और थोड़ी सी केचप हो जाए या पुदीने की चटनी लगा करके आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट cookwithfaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप जो कि फ्री है वो भी डाउनलोड कर ली होगी, तो ज़रूर बनाइएगा, बताए आपको कैसा लगा, तो वहाँ भी याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।